नमस्कार गाइस, मेरा नाम देश बिल्डर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिख रहा हूँ कि मैं एक शॉप में हूँ। तो ये शॉप मेरी शॉप है, वो ओएसपी शॉप एंड मेनस्वेयर मेरा दुकान का नाम है। और ये देख सकते हैं कि इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे दुकान का काम किया हुआ है। और देख सकते हैं ऊपर जो पीवीपी जो किया हुआ है, जो यहाँ कोई भी लाभ उसमें काम किया हुआ है। तो ये किसने किया है और कैसे किया है, किस तरीके से किया है और कितने कम बजट में इस जो हमारी शॉप है इसको बनाया गया है, तो हम आज देखने वाले हैं। और जिसने बनाया है उसके साथ ही हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइस, यही बंदा है जो क्या नाम है भाई सर? सैयद रिजवान। सैयद रिजवान, जिसका नाम मुझे शायद पता था, इन्हें बोला नहीं क्योंकि मैं दिख रहा था कि इसको बोलना आता है नहीं बोलना आता है कैमरे में। तो जो रिजवान भाई है हमारे, तो वही बताएंगे दुकान किस तरीके से उन्होंने बनाई और किस बजट में बनाई है। ये काउंटर की हाइट हमने इसलिए 3.5 फीट की रखी है क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी दुकान में हाइट जब कम रहती है तो कोई भी कस्टमर आता है लेटर बोलता है भाई ये दिखाओ ये दिखाओ, इसलिए हमने इसकी हाइट 3.5 फीट रखी है। अभी आइए, ये मिरर हमने इसलिए रखा है कि सामने कोई भी कस्टमर आता है तो पहले इसी तरफ देखता है और आने के बाद में कोई भी चीज शर्ट बोलो या पैंट बोलो जब देखता है तो पहले खुद के शरीर पर लगा के देखता है कि वो उसको इसको लुक अच्छा लग रहा है क्या, तब जाकर वो सिलेक्ट करता है। तो चले आगे की तरफ। तो देखिए, अब ये जो रैक है इसके अंदर हमने जो बॉटम छोड़े हैं तो ये डिजाइनिंग के लिए छोड़े हैं, तो ये सभी में ऐसे छोड़े हैं कि इसका लुक अच्छा दिखता है। और इसमें जो ग्लास लगाए, ये ग्लास को ब्रैकेट के अंदर लगाए हैं और इसके अंदर आपने अगर 50 किलो भी वेट रख दिया तो ये ग्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमने इसको साइड से सेल कॉइल भी भर दिया है, इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए आगे चलिए। तो अभी आइए देखिए कि हमने ये जो ड्रॉर है ये किस तरीके से बनाया है, यानी कि इसकी ये कहीं भी निकाल कर कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखिए, हमने काउंटर में ये इसलिए जगह रखी है कि ये एडजस्टमेंट हो सकता है। और उसके दौरान जिस तरह ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स इसमें हम डालने वाले हैं ताकि क्या होता है कि कोई भी दुकान में धूल मिट्टी ज्यादा बैठती है तो इसमें उसका काम नहीं रहेगा। आइए आगे चलते हैं। इस जगह पे सिलेटिन रखा है कि क्या होता है कि कभी भी इधर मतलब धान मिट्टी ना बैठे, इसलिए हमने ये सिलेटिन लगाया है पूरी जगह में, आप देख सकते हो। ने सुनी लिया कि रिजवान भाई का क्या कहना था। और जो आप देख रहे सकते हैं कि इसमें पूरी पूरी लाइट यहाँ पे बंद कर दी है हमने और किस तरीके से यहाँ पे जो हमारी जो शॉप है आप दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए आगे कि हमारी जो शॉप थी किस तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। तो वीडियो आप देख सकते हैं पूरा कंटिन्यू। एकदम शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो पीवीपी जो भी है तो एकदम अच्छी तरीके से बनाई गई है बजट के साथ, क्योंकि हमारी जो दुकान थी 10x17 थी और यहाँ पे जो हमारा जो काम था दुकान का बहुत लंबा चला, क्योंकि 8-15 दिन हमें इस दुकान को बनाने के लिए लग गए और बनाने वाले रिजवान भाई थे हमारे। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो शॉप थी, शॉप का जो काम था यहाँ पे बनाया गया है। Calling.
our dreams appear. I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you.